काल जी, आप सबका जयकर रसोई में स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी का चिल्ले। के लिए हमें चाहिए एक कप सूजी रिफाइंड, आधा आधा कप दही, नमक, काली मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, गाजर, मटर, आलू आलू बॉईल है, मटर बॉईल है और हरा धनिया, हरी मिर्च। हमें ये चाहिए डाल, एक कप सूजी डाल रहे हैं, आधा कप दही, और एक चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च। इनको डाल के अच्छे से मिक्स करना है। जैसे हमने एक कप दही ली है, सूजी ली है, इसमें आधा कप हम पानी डाल लें पहले, फिर जरूरत पड़ेगी हम और डाल लेंगे। मैं एक कप ही डाल रही हूँ पानी, एक कप सूजी, एक कप पानी डाला है, आधा कप दही, नमक और काली मिर्च। इसको अच्छी तरह फेंट कर अच्छी तरह फेंट के इसको हमने, ये हो गया आधा, मैं इसको हमने 10-15 मिनट रेस्ट के लिए रखना है, जिससे कि सूजी हमारी, सूजी के कने में फूल जाएंगे। ये 10 मिनट हो गए हमें सूजी को भिगोए को, इसके सूजी के कन फूल गए। अब इसमें हम सब कुछ मिक्स कर लेंगे, मटर, आलू, गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर और हरा धनिया। अरे पनीर भी डाल सकते हो और भी बीन्स वगैरह भी डाल सकते हो, जितनी आपके पास सब्जियां हो घर में वो डाल लो। अब हरी मिर्च डाल रही हूँ, अब इसको हम सबको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको। अब गैस को हम चला रहे हैं, तवे पैन में किसी भी आप बना सकते हो। तवे के ऊपर घी लगा लेंगे, अच्छे से घी लगा लिया। अच्छी तरह मिक्स इसको कर दें। और कोई सब्जी आप डालना चाहते हो आप खाते हो, तो जैसे बच्चे लोग सब्जियाँ नहीं खाना चाहते, पहले ऐसे आप चिल्ला बना के दोगे, इसके अंदर सब सब्जियाँ डाल दोगे, बच्चे खुशी से खा लेंगे। ये बहुत लाइट बनता है, अच्छा बनता है और जल्दी बनता है और सबको पसंद भी बहुत आता है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे, ये अपने ऊपर है, बड़ा बना सकते हो, छोटे छोटे भी बना सकते हो, जैसे आप लाइक करते हो उसी हिसाब से आप बना लोगे। थोड़ा मोटा रखना, पतला नहीं करना। इसको अच्छी तरह से फिला दो, साइडों से गोल कर दो। ये रिफाइंड अपने ऊपर है, कम ज़्यादा डाल सकते हो, हल्के सेक से अपना बना लो।
घी कम भी डाल सकते हो ज़्यादा भी डाल सकते हो, आपके ऊपर है। इसको 3-4 मिनट अच्छे से मिक्स कर लो, फिर हम इसको उठाएंगे। इसको हम ढक भी सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हो, ढककर भी बना सकते हो। जितनी सब्जियाँ डालेंगे उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा, और बनाने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्दी बनता है और बहुत मेथड भी बहुत इसका आसान है, कोई दिक्कत नहीं है बनाने में भी। घर में जाने कोई गेस्ट आ जाए बना सकते हो, सुबह सुबह भी नाश्ते लंच पे भी ले सकते हो। इसको मैं उठा रही हूँ, रिफाइंड मैंने एक बार ही डाला था, डुबा नहीं डाला मैंने। जिसने आपने करारा खाना है उसी हिसाब से करारा कर लो, दोनों तरफ से अच्छे से सेक लो। घी और डालना चाहते हो डाल सकते हो, नहीं तो इसी में ही बना लो। सूजी का चिल्ला हमारा रेडी है, मैं उतार रही हूँ, गैस को बंद कर दिया। अब इसको कटिंग कर रहे हैं, चिल्ला हमारा रेडी है। मक्खन और जो धनिया डाल के उसके ऊपर मैंने चौक मसाला डाल दिया हूँ।